अस्तित्व हो तो फिर हमें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि फिर उन मूलों का अस्तित्व है तो फिर हमें उनको ज्ञात करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं? तो अगर d का मान 0 या 0 से बड़ा आए, d का मान 0 या 0 से बड़ा आए, तो उस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है और फिर हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। और अगर d का मान ऋणात्मक आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, तो फिर हम उस स्थिति में मूलों का जो है वो अस्तित्व नहीं होता है और मूलों को ज्ञात नहीं करते। बात समझ में आई? अगर हमें मूलों का अस्तित्व चेक करना है तो केवल दो स्थिति में, अगर d का मान 0 या 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होता है, और अगर d का मान 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक आए तो फिर मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो 4.3 के पहले क्वेश्चन में हमें पहले से मूलों का अस्तित्व भी देखना है। अगर अस्तित्व है तो फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, और अगर अस्तित्व नहीं है तो हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, पहला जो समीकरण दिया है वो है 2x² - 3x + 5 = 0। यही है ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्क्राइबिंग एरिया की t का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax² तुलना करने का। अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो x² का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ भी x² का गुणांक क्या है, 2। इसका मतलब है a का मान कितना होगा, 2 होगा। तो a बराबर कितना हो गया, 2। और b, तो b का मान यहाँ पे x का गुणांक b है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, -3। तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान कितना रखना है, 5। सही है?